हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है ईयर मफ पे। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये नॉइस कैंसिलेशन के काम में आता है। कैसे करते हैं इसको यूज, क्या क्या है इसके फायदे, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये है हमारा फाइनल यूनिट। इसमें कोई ब्लूटूथ नहीं है, ना ही इसमें कोई वायर है। ले देके इसमें आप गाने नहीं सुन सकते हैं। ये सिर्फ आता है नॉइस कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टडीज में कोई दिक्कत हो रही हो क्योंकि बाहर फेस्टिवल चल रहे हैं, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तब फिर आप इसको लगा सकते हैं। या फिर बच्चे बाहर खेलते हैं, आपको शोरगुल बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तब आप इसको लगा सकते हैं। या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ट्रेन आती जाती रहती है, तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप इसको ऐसे लगा के अपना प्रॉपर मेडिटेशन कर सकते हैं। या फिर जैसे कि हम लोग मशीन से बहुत ज़्यादा काम करते हैं और मशीन की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, तो उन सब आवाज़ को रोकने के लिए ये हम यूज़ करते हैं ईयर मफ। अगर मैं इसी खूबियों की बात करूँ तो इसका प्लास्टिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जैसे ही आप पकड़ेंगे तो आपको एक क्वालिटी फील होगा। इसका एकदम फ्री साइज आता है, इसको आप आराम से ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसको कोई भी लगा सकता है किसी भी एज का, और ये पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, रेड और ब्लैक, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मैं इसकी ओवरऑल क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे जो रेड कलर है वो ग्लॉसी फिनिश है, और जो यहाँ पे कानों को प्रोटेक्ट करेगा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये प्लास्टिक बेस में स्पंज है, तो अगर आपको स्वेट आएगा तब भी ये फिर खराब नहीं होगा। ये जो ईयर मफ है ये है 3M का और इसका कोड है 1426। इसको आप इकोनॉमी या फिर बजट ईयर मफ भी बोल सकते हैं। ये आपको अमेजोन पे मिलेगा कुछ 250 से लेके 450 रुपए तक। मैंने इसको लिया है 408 रुपए में। आप इसको तब लें जब इसका प्राइस अच्छा खासा कम हो, यानी कि 250-350। इसके प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ये जो ईयर मफ है ये एकदम स्टार्टिंग प्राइस का है, मतलब 400 रुपए का। इसके बाद और भी ईयर मफ आते हैं अच्छी क्वालिटी के, जो कि आते हैं 2000-3000-4000। मगर यदि आप बिगनर्स हैं तो पहले आप इसके साथ जाइए, उसके बाद फिर आप कोई महंगा ईयर मफ लीजिए। इसका जो वेट है वो है 350 ग्राम। अगर आप और महंगे ईयर मफ लेंगे तो उनका वेट आएगा 600 ग्राम 700 ग्राम। ये जो ईयर मफ है ये 21 डेसिबल्स तक नॉइस रोक सकता है। कोई भी ईयर मफ 100% नॉइस कैंसिलेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि नॉइस होती है वाइब्रेशन से। कोई भी आवाज़ होगी तो वाइब्रेशन तो होगा ही होगा, तो हल्की फुल्की आवाज़ तो अंदर जाएगी ही जाएगी, भले ही आप कितना भी महंगा ईयर मफ लें। मैंने इसको टेस्ट करके देखा है। जब मैंने टीवी बहुत ज़्यादा तेज चलाया था तब टीवी की आवाज़ 90% तक कम हो गई थी। और जैसे कि हम लोग मशीन यूज़ करते हैं, वुड कटर मशीन, जब हम प्लाईबोर्ड काटते हैं या फिर हम एंगल ग्राइंडर से आयरन काटते हैं या मेटल काटते हैं, तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आती है जो इरिटेट करती है। इसको लगाने के बाद वो सब आवाज़ें 80% से लेकर 90% तक कम हो जाती हैं और कान को आपको बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं। आप इसको अपने गॉगल के साथ में भी पहन सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने गॉगल लिया था ये भी मेरा 3M का ही है, और ये भी बेसिकली 3M का है। 3M का मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। अब देखिए, ये जो है इलास्टिक की स्ट्रिप है, तो जब मैं इसको लगाता हूँ तो ये मुझे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती है और मेरी पूरी आंखों को कवर करती है। देखिए, ऐसे हम लोग वुड कटर मशीन से या फिर मार्बल कटर से कुछ भी जब काम करते हैं तो आंखों में कुछ भी उड़ने का खतरा रहता है। तो मैंने इसको प्रॉपर लगाया, और अब मैं अगर ईयर मफ लगाता हूँ तो मेरे कान भी प्रॉपर ढक जाते हैं और मेरी आंखें भी प्रॉपर ढक जाती हैं। अगर आप प्लास्टिक का गॉगल यूज़ करेंगे जिनमें स्टिक आती है, तब फिर ये थोड़ा लगाने में आपको दिक्कत आएगा। बट अगर आप इस टाइप का कोई गॉगल लेंगे तब आप फिर इसको आराम से लगा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो महंगे ईयर मफ होते हैं उनका नॉइस कैंसिलेशन 99% तक होता है, वो आप इसमें भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए वो करना बहुत ही आसान है, ये मैं आपको थोड़ा ज़रा पास से बताता हूँ। अगर आपको इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर ये फॉर्म दिख रहे हैं, ये देखिए ये जो फॉर्म लगा है इसको देखिए, मैं आपको ज़रा इसको निकाल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइट फिट होता है ये देखिए, इसके अंदर ये है और ये इसके अंदर लगा रहता है फॉर्म। आप ऐसा एक फॉर्म और ले लीजिए, अगर मोटाई में इसका आधा हुआ तो भी चलेगा। आपको क्या करना है, ये फॉर्म तो पहले आप इसमें फ़िट कर दीजिए। देखिए ऐसे मैं इसको प्रॉपर अच्छे से फिट करता हूँ, ये देखिए ये हो गया यहाँ पे फिट। आप एक और फॉर्म लेंगे उसको यहाँ पे फिट कर देंगे। कैसे, सपोज आपने एक ये फॉर्म लेके आ गए मार्केट से, वो तो मैंने यहाँ का भी निकाला है, आप ये मार्केट से लेके आ गए, आपका ये फॉर्म लगा है, अब आप इसको यहाँ पे एक और लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसको आपने इसको लगाया और इसको ऐसे अंदर अच्छे से फिट किया, ये देखिए ये देखिए ऐसे आप इसको प्रॉपर फिट करेंगे। इसके बाद अगर आप इसको कानों में अपनी लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा महंगा ईयर मफ।
अब जो महंगे ईयर मफ आते हैं 3,000, 4,000, 5,000, 3M के भी आते हैं, उसमें ब्लूटूथ होता है, उसमें सॉन्ग का ऑप्शन होता है, उससे आप फोन भी उठा सकते हैं और बहुत कुछ काम कर सकते हैं। बट मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है कि उसको प्लीज आप बाय मत करिए। हम जब भी कोई मशीन का काम करते हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेट मशीन पर होता है, हम उसमें ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में कोई फोन आए या फिर हम गाने सुन रहे हों तो हमारा मन थोड़ा सा भटकता है और हादसा होने के चांसेस हैं। और यदि आप स्टडी भी कर रहे हो तब भी आप वो ईयर मफ यूज मत करिए, क्योंकि स्टडीज में भी प्रॉब्लम आएगी। ये जो बेसिक ईयर मफ है इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ एक ईयर मफ है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ईयर मफ ले रहे हैं तो ईयर मफ भी लीजिए, ईयर मफ प्लस हेडफोन ये दो कॉम्बिनेशन मत चूज करिए। इस ईयर मफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहां से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।